जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सीजी रिसेटलमेंट चैनल पर। दोस्तों, ECHS की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है ECHS कार्ड को लेकर। पर उससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि एक सर्विसमैन से जुड़ी ऐसी ही नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ECHS के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है ECHS कार्ड होल्डर के लिए। उस नोटिस में कहा गया है कि ECHS में लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए 1 अगस्त 2022 से पोर्टल खुलेगा और 31 अक्टूबर 2022 तक खुला रहेगा। इस दौरान जिस किसी भी ECHS कार्ड होल्डर ने योग्यता प्रमाण पत्र और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, तो 1 नवंबर 2022 को आपके आश्रित माता पिता और बच्चों का ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आपको अपना और अपने पत्नी का योग्यता प्रमाण पत्र और लाइफ सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके आश्रितों का, जैसे कि आपके माता पिता और आपके बच्चों का योग्यता प्रमाण पत्र और लाइफ सर्टिफिकेट देना अत्यंत जरूरी है। योग्यता प्रमाण पत्र में पिछले 2 वर्ष की ITR या फॉर्म 26S सबमिट करना होगा, और अगर ये सब नहीं है तो तहसील से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा और उस सर्टिफिकेट को सबमिट करवाना होगा। दोस्तों, उस नोटिस में कुछ नियम और शर्तें भी बताई गई हैं। जैसे कि आपको जो भी आश्रित हैं, जैसे कि आपके माता और पिता और आपके बच्चे, उनके महीने की आमदनी 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी आमदनी 9,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो उनको ECHS की सुविधा नहीं मिलेगी। 18 साल के कम उम्र के बच्चों का भी आपको इनकम सर्टिफिकेट या फॉर्म 26S देना होगा, चाहे आपका बच्चा 6 महीने का भी क्यों ना हो। आगे नोटिस में कहा गया है कि आपके जिस किसी भी आश्रित का पैन कार्ड नहीं है तो कृपया जल्द से जल्द बनवाएं, क्योंकि फॉर्म 26S पैन कार्ड के जरिए ही निकलता है। अब दोस्तों, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, तो आपके डिपेंडेंट के ECHS कार्ड की सिर्फ 1 साल की ही वैलिडिटी होगी, इसलिए आपको हर साल आपके डिपेंडेंट के ECHS कार्ड को रिन्यू करवाना होगा। तो दोस्तों, इस साल याद से आपको 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक आपके डिपेंडेंट का योग्यता प्रमाण पत्र और लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करना होगा, वरना आपके डिपेंडेंट्स का ECHS कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो हमारा एंड्रॉयड ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका नाम है CG रिसेटलमेंट। इस ऐप में आपको एक सर्विसमैन से रिलेटेड जॉब और न्यूज़ की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें CG रिसेटलमेंट ऐप। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।